दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे वन प्लस नोट सी ई फोर 5G स्मार्टफोन को मोटो एच 14 नियो 5G स्मार्टफोन के साथ में। और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि वन प्लस के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के अंदर हमें 6.55 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की भाई बिल्कुल बढ़िया वाली है। बढ़िया कंटेंट वॉचिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको फोन के अंदर बिल्कुल हाईर रिफ्रेश रेट चाहिए ना भाई, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें 144 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट मिल रहा है भाई, जो कि काफी अच्छी बात है। और IP रेटिंग की अगर हम बात करें तो वन प्लस फोन यहां पर IP54 रेटिंग के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन IP68 रेटिंग के साथ में आता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको फुल प्रोटेक्शन चाहिए ना भाई वाटर और डस्ट दोनों से ही, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें IP68 रेटिंग मिल रही है, भी अच्छी बात है। लेकिन यार वन प्लस की तरह नहीं कि सिर्फ IP54 देके भाई काम ही मुका दिया भाई, यहां पर इन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा वन प्लस ब्रांड भाई चलाकियां कर रहा है आजकल। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो वन प्लस फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आता है जो कि ऑक्सीजन OS 14 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि नियर स्टॉक एंड्रॉइड पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर वन प्लस का फोन ही विनर है, क्योंकि ये फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में मिल रहा है, भी अच्छी बात है। और यार जो दोनों फोन्स की UI है ना भाई वो तो बिल्कुल बढ़िया वाली है। और आपको बता दूं दोस्तों दोनों फोन्स के अंदर आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भी भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। और अगर हम बात करें चिपसेट की तो वन प्लस के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ मोटो के अंदर हमें डायमेंसिटी 7030 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार बढ़िया वाली गेमिंग भी करनी है ना अगर आपको, तब आप यहां पर डेफिनेटली वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि वन प्लस फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 मिल रहा है जो कि एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों एंड्रॉइड स्कोर में यहां पर भाई बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों फोन के, क्योंकि यार वन प्लस फोन का आता है 8,50,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन का आता है सिर्फ 5 लाख के करीब। इसलिए दोस्तों एंड्रॉइड स्कोर भी अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल चाहिए ना भाई, डेफिनेटली वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए। और यार अगर आप इन दोनों फोन में किसी वाले के बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों फोन के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे वन प्लस की, तो इस फोन का मेन कैमरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 MP का। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन का मेन कैमरा 50 MP का अल्ट्रा वाइड प्लस मैक्रो प्लस डेप्थ कैमरा है 13 MP का। देखिए दोस्तों मोटो फोन का जो मेन कैमरा ना भाई 50 MP का भाई बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार अगर मुझे इन दोनों में से किसी एक को चूज करना ना एकदम बढ़िया ऑप्टिमाइज्ड और नेचुरल डिटेलिंग वाली फोटोज के हिसाब से, तब मैं यहां पर डेफिनेटली वन प्लस की तरफ जरूर से जाना चाहूंगा, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 MP का भाई बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया जो कि एकदम नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों फोन के बैक कैमरा से मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है भाई फ्रंट कैमरा की, तो वन प्लस के फ्रंट में 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम मैक्सिमम 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोटो के फ्रंट में 32 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, क्योंकि दोनों फोन का जो फ्रंट कैमरा ना अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी सेल्फी फोटोज क्लिक कर देगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यार फ्रंट कैमरा से अगर आपको 4K में वीडियो भी शूट करनी है ना, डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए। या वन प्लस वालों ने 1080p देके ना भाई दिल तोड़ दिया, यहां पर भी भाई कॉस्ट कटिंग करी है इन्होंने दोस्तों, ये हाल है वन प्लस ब्रांड के। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो वन प्लस फोन 5500mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 100W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन 5000mAh की बैटरी के साथ में आता है जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। देखिए दोस्तों अगर आपकी मेन प्रायोरिटी भाई बड़ी बैटरी और ज्यादा फास्ट चार्जिंग है ना, डेफिनेटली आप यहां पर वन प्लस की तरफ ही जरूर से जाइए। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन टूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन यार स्टीरियो स्पीकर्स अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की, तो आपको बता दो कि वन प्लस फोन के 8+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 25,000 पे। वहीं दूसरी तरफ मोटो फोन के 8+128GB वेरियंट की प्राइसिंग है 23,000 पे। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं
अब इन दोनों स्मार्टफोन के लिए तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है जहां पर आपको फ्रंट में 4K वीडियो बनाने का भी ऑप्शन मिल रहा हो, तब आप यहां पर डेफिनेटली मोटो की तरफ ही जरूर से जाइए। अदरवाइज दूसरी तरफ दोस्तों, अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू के हिसाब से बिल्कुल टॉप लेवल फोन चाहिए जहां पर आप बढ़िया वाली गेमिंग भी कर पाओ, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए।